नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। मधुबनी बिहार, भारतीय जनता पार्टी अडानी एवं अंबानी की सरकार है, समीर महासेठ का बड़ा बयान। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई नई तीनों बिल के विरोध में आज समाहरणालय गेट पर आज महागठबंधन के तमाम विपक्षी दलों एवं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलाम्बर झर, राजद विधायक समीर कुमार महासेठ, राजद विधायक भारतभूषण मंडल सीपीआई से मिथिलेश झा शामिल थे। देखिए पूरी खबर। प्रदर्शन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के मधुबनी विधानसभा के विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अडानी एवं अंबानी की सरकार बनकर रह गई, जो अडानी एवं अंबानी के हिसाब से किसान बिल परिवर्तन कर किसान एवं मजदूर को सड़क पर ला दिया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत भाकपा माले, किसान महासभा, खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष अंबेडकर स्मारक के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेता अनिल कुमार सिंह ने कहा, मोदी सरकार अडानी अंबानी के कंपनी राज, देश के लाखों किसान आंदोलन में 18 दिनों से ठंड का मुकाबला करते हुए फासीवादी मोदी सरकार का मुकाबला कर रहा है। माले और किसान महासभा 15 दिसंबर से 28 दिसंबर तक किसान बचाओ देश बचाओ अभियान चलाकर गांव-गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का पुतला दहन करेगा। किसान पंचायत लगाकर तीनों कृषि बिल की जानकारी देगा। इसमें तीनों कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास कर 29 दिसंबर को आयोजित राजभवन मार्च के जरिए राज्यपाल के साथ पैच राज्यपाल के पास पेश करेगा। पूरे देश में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय किसान महासभा और खेत और ग्रामीण मजदूर सभा संयुक्त रूप से पूरे देश के अंदर में आंदोलन पर है। किसान का जो आंदोलन है, किसान कृषि बिल, जो नया कृषि बिल सरकार लाई है, उस कृषि बिल के विरोध में हम लोग भाकपा माले के लोग भी समर्थन में आज खेग्रामस और किसान महासभा के संयुक्त अनशन कार्यक्रम में हम लोग शामिल हैं और मांग करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सरकार ये तीनों कृषि बिल, जो कानून विरोधी, कानून किसान विरोधी बिल है, इसको वापस ले। जो किसान निश्चित तौर पर आज आप देख रहे हैं ये जो धरना प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, अनबढ़ किसान जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं। लगातार 2 महीने के अंतराल में लोग वहां जमे हुए, इसके बावजूद भी ये अडानी अंबानी की जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, जो अडानी अंबानी के हिसाब से कानून में परिवर्तन करके किसान को, पूरे तरह मजदूर को सड़क पर ला दिया है। इसलिए किसान वहां पहुंच चुके हैं और उनकी मुख्य मांग है कि हम कुछ ऐसा कोई एक्ट में परिवर्तन की बात अब नहीं करेंगे। लेकिन हम निश्चित तौर पे जो आपने काला कानून लाया है, इसको पूर्णतः समाप्त जब तक नहीं करेंगे तब तक किसान अपने घर नहीं लौटेंगे। आज उन्हीं के समर्थन में महागठबंधन धर्म को मानने वाले राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई सीपीएम माले के सभी साथी आज मधुबनी में भी अनवरत प्रयास कर रहे हैं और ये लगातार तीसरी बार के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपके बीच में है और हम यहाँ पर हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि ये पूरी तरह की ये जो है जन आक्रोश है वो सरकार